यमुना की आज जो हालत है वो एक दिन का हाल नहीं है। पिछले दो दशक से यमुना प्रदूषित हो रही है और पिछले दो दशक से ही यमुना की सफाई का अभियान भी चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। अब इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, अलग अलग बातें होती हैं और प्रायोरिटी की अगर बात की जाए तो जरा यहां पर असलियत देखें आप, ध्यान से देखिएगा। यमुना की दुर्दशा, कौन जिम्मेदार, कितना कसूरवार। दिल्ली सरकार ने क्या किया, 8 जनवरी 2021 झाग रोकने के लिए 9 सूत्री कार्य योजना, नतीजा शून्य। 8 जनवरी, नेक्स्ट आगे देखिए। 9 मार्च 2021 यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट के लिए 2074 करोड़ रुपए, नतीजा सिफर। नेक्स्ट चेंज करें आप। बीते 3 साल में सफाई के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित हुए। अब ये सफाई तो नीचे दिख रही है आपको, नतीजा बताने की क्या जरूरत है। ऐसा दिखाई देता है कि उसमें स्नोफ्लेक्स आ गए, इतना ज्यादा झाग होता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। ये हाल है यमुना की सफाई का और ये हाल है सरकारों की सीरियसनेस का। करोड़ों के खर्च का ये आंकड़ा तो सिर्फ दिल्ली सरकार का बहुत छोटा है। यमुना के पानी को साफ करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 25 साल में 1514 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 25 साल में कहां गया ये पैसा और कौन है इसके लिए अकाउंटेबल? पैसा तो हमारा ही है, टैक्स पेयर्स का। नेक्स्ट चेंज करें जरा, आगे चेंज करें। जो हमारे पास ये है, केंद्र सरकार ने क्या किया, 25 साल में 15014 करोड़ रुपए। अब प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि पानी पीने लायक नहीं बचा है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बंद करने पड़ गए। आइए देखते हैं। यहां पर सोनीपत, पानीपत, हरियाणा, इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में छोड़ा जाता है। यमुना की दुर्दशा के लिए यह भी जिम्मेदार है। जो ट्रीटेड सीवेज है वो करीब 30-35% है बस, या 36%, बाकी सब अनट्रीटेड है। सीवरेज का गंदा पानी भी मिलता है। ये देखिए, सोनीपत, पानीपत, मथुरा नदी में प्रदूषण का बड़ा कारण मथुरा रिफाइनरी है। देख रहे हैं आप, यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना, मथुरा की अगर बात की जाए, पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन नदी में मिलता है। सोचिए आप जरा। नेक्स्ट दिखाइए यमुना की दुर्दशा के लिए। आगरा शहर के 61 नाले सीधे यमुना में गिरते हैं। 61 नाले सीधे यमुना में जा रहे हैं। नोबडी इज बॉदर्ड। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर यह हाल है देश के कोने कोने का। यमुना की सफाई के लिए 24 प्रोजेक्ट, कितने पूरे, ये बहुत बड़ा सवाल है। 24 प्रोजेक्ट। अब वो जो प्रोजेक्ट का डिटेलिंग है उसको देखें आप। हिमाचल प्रदेश 1 प्रोजेक्ट पूरे हुए, शून्य। हरियाणा में 2 प्रोजेक्ट पूरे हो गए। दिल्ली में जिसमें 76% कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन का, 13 प्रोजेक्ट हुए, पूरे हुए 2। वाह, सोचिए अब यह हाल। उत्तर प्रदेश 8 प्रोजेक्ट, 1 पूरा हुआ। खैर यह हाल है। यहां पर कौन जिम्मेदार है यह भी एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्या यह जिम्मेदार नहीं है? यह तो जिम्मेदार है ही, ये क्या जिम्मेदार नहीं है? और इतने सालों से इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो जाता कहां है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जी, ये अब ये हमारे पास है। ऊपर यमुना रिवर बोर्ड, ये देखें आप, अपर यमुना रिवर बोर्ड, ये वो चीज है जो कि जिम्मेदार नहीं है। यमुना बेसिन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग, सिर्फ किताबों पे हो रहा है काम ऐसा लगता है, वरना जमीनी हकीकत तो ये है नीचे जो फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यमुना का हाल बहुत खराब है। दिल्ली की इस पानी के ऊपर डिपेंडेंसी 70% है और उसके बावजूद भी हर साल ये देखने को मिलता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।